हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ में तिल के लड्डू की स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तिल के लड्डू तो आपने बहुत बार बनाए होंगे, लेकिन इस तरह से आपने लड्डू को शायद नहीं बनाया होगा पहले कभी। इन लड्डुओं को मिठास देने के लिए मैंने इसमें न गुड़, न चीनी, न शहद का इस्तेमाल किया है, इसलिए ये लड्डू बहुत ही खास और अलग है। तो चलिए रेसिपी शुरू करने से पहले मिक्स सीजन्स में सभी दर्शकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप ना एक कप सेट कर लीजिए और सारी सामग्री उसी से आप मेजर कीजिए, जिससे कि तिल के लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे और स्वाद में भी बहुत अच्छे रहेंगे। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं। सबसे पहले लूँगी एक कप तिल, साथ में लूँगी मूंगफली एक कप और भुनी हुई चने दाल ले लूँगी एक कप। उसी के साथ में नारियल का बुरादा लूँगी एक कप, जिसे कोकोनट पाउडर भी कहा जाता है। और लड्डुओं को मिठास देने के लिए यहाँ पर मैं खजूर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से आप पके हुए खजूर लें, जो स्वाद में बहुत ही मीठे होते हैं। और दर्शकों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और साइड में जो बेल बटन आइकॉन है ना, उसे भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी नई नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने एक कप तिल को गर्म पैन में ले लिया है और मैं इसे अब 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी। तिल को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है। आंच को आप बिल्कुल भी हाई ना करें, नहीं तो तिल जल सकते हैं और लड्डुओं को कड़वा कर सकते हैं। चलिए, तिल तो हमारे भुन चुके हैं, अब हम इसी तरह एक एक करके सभी सामग्री को लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। मूंगफली को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। उंगलियों के बीच इसे दबाकर चेक कर लेते हैं। देखिए, छिलका उतरने लगा है। बस इस समय हम गैस की फ्लेम से मूंगफलियों को नीचे उतार लेंगे। मूंगफली हमारी अच्छे से भुन चुकी है। और दर्शकों, मैंने मकर संक्रांति स्पेशल तिल और गुड़ के लड्डू की रेसिपी, तिल की पापड़ी, तिल और मावा की बर्फी, तिल और गुड़ की सुखड़ी, इस तरह की कई रेसिपीज़ भी अपलोड की है। आप उन्हें भी जाकर ज़रूर देखें। और मैं इस तरह की सभी रेसिपीज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए, तिल भुन चुके हैं, मूँगफली भी भुन चुकी है और अब हमने चना दाल को भी यहाँ पर अच्छे से भून लिया है और सभी चीज़ों को हम ठंडा करेंगे। इस समय मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर लिया है और मैं उसके बाद पैन मेरा अभी भी काफ़ी गर्म है, तो इसमें मैं नारियल का बुरादा डालूंगी और इसे भूनूंगी। ध्यान रहे, मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद रखा है। नारियल का बुरादा बहुत जल्दी जल सकता है, इसलिए गैस की फ्लेम को मैंने बंद रखा है। सभी सामग्री को भूनने के बाद एक जगह पर इकट्ठा कर लें और अब इसे अच्छे से ठंडा होने दें। इसी बीच हम खजूर में से उसके बीजों को अलग कर लेंगे। रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप खजूर का इस्तेमाल किया है। यदि आप लड्डुओं में ज़्यादा मिठास चाहते हैं तो 1.5 कप खजूर भी ले सकते हैं। यकीन मानिए, यह तिल और खजूर वाले लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और कोई बता भी नहीं सकेगा कि आपने इसमें खजूर का इस्तेमाल किया है। मूँगफली भी ठंडी हो चुकी है, इसके छिलके उतार लेंगे और साइड में रख लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर जार लिया है और मैं सभी सामग्री को एक एक करके मिक्सर ग्राइंडर जार में ऐड कर दूंगी। दर्शकों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, जिससे कि आप अच्छी तरह से लड्डू घर पे बना पाएंगे। खजूर ऐड करने के पहले एक बार फिर से चेक कर लें, इसमें कहीं कोई गुठली तो नहीं रह गई है। और लड्डुओं को और स्वाद देने के लिए यहाँ पर मैंने कुटी हुई इलायची का उपयोग किया है। इसे मैंने 1/2 टेबलस्पून लिया है। साथ में लेंगे दालचीनी पाउडर 1/4 टेबलस्पून। दालचीनी पाउडर आप ज़रूर डालें, इससे स्वाद और फ्लेवर बहुत बढ़ जाते हैं। सभी सामग्री को पीस लेंगे और इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। ध्यान रखें, हमें इसे बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है। और अब मैं इसमें बाइंडिंग के लिए 2 टेबलस्पून देसी घी का इस्तेमाल करूंगी। घी हमें उतना ही डालना है, जिससे कि हम लड्डुओं को आसानी से बांध सकें। दोनों हाथों से रगड़ रगड़ के इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लें, जिससे कि घी सभी सामग्री में मिक्स हो जाए। एक मुट्ठी बांध कर चेक कर लें, अगर लड्डू बन रहे हैं तो हमें घी की और इसमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैंने ना एक छोटा सा कप लिया है, उसमें मैं मिश्रण को डाल दूंगी और इस तरह से लड्डू बांधती जाऊंगी। इस तरह से हमारे लड्डू है ना एक ही साइज के बनते हैं। तो बस इसी तरह मिश्रण को हाथों में लेकर हल्के हाथों से लड्डू बांधते जाइए।
लड्डू को स्टोर करने के लिए एक एयरटाइट कंटेनर ले लें और उसी में सभी लड्डू को स्टोर करें और 15 दिन तक ये लड्डू बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। मकर संक्रांति स्पेशल बिना गुड़, बिना चीनी, बिना शहद के पौष्टिक लड्डू बनकर यहाँ पर तैयार है। आप भी मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।